प्यारे छात्रों, आइए, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। प्रस्तुत कविता को आपने ध्यान पूर्वक सुना और कवि हमसे कह रहे हैं कि मानव जीवन में हार का बड़ा महत्व है। वो हमसे कह रहे हैं कि जब हम किसी काम से असफल हो जाते हैं, हमें किसी काम में असफलता मिलती है, तो हम निराश हो जाते हैं, हम हिम्मत हार देते हैं। लेकिन हार हमारे अंदर एक जीत की नींव डालती हैं, और जब हम मझधार पे पहुंचते हैं, तो किनारों पे पहुंचते हैं, तो हमें मझधार मिलती हैं। और मझधार ये हमको सिखलाती हैं कि जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। कवि हमको दूसरे छंद में ये कहना चाहते हैं कि कवि हमें बता रहे हैं कि हमें फूलों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमें वृक्षों की छांव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो रास्ते आसान और सरल होते हैं वो आगे चलकर कठिनाइयां पैदा करते हैं। हमें कांटों भरे रास्तों में से अपनी मंजिल का रास्ता तलाश करना चाहिए, ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सके। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। कवि तीसरे छंद में हमसे कह रहे हैं, कवि का यह मानना है कि सरल आसान रास्ता तो कोई भी पार कर सकता है। छात्रों, समझने की कोशिश करें कि सरल रास्ता, आसान रास्ता तो कोई भी पार कर लेता है। बात तो तब है कि जब हम कठिन रास्तों से, पर्वतों से लड़ जाएं, पहाड़ों से टकरा जाएं और अपना रास्ता बना लें। ये बात को हिम्मत देते हुए किसी कवि ने यह भी कहा था कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो कठिन रास्तों के अंदर से अपनी मंजिल का रास्ता निकाले। इसीलिए शायर कह रहा है कि जब हम कठिन पर्वतों से लड़ेंगे तो हमारे अंदर निखार आएगा, निडरपन आएगा, हम ताकतवर बनेंगे। यही कवि का उद्देश्य है।